वंदे मातरम। पिछवाड़े में बाबा सीर पायल सुना होगा, लेकिन उनकी बात कर रहे हैं वो सेलिब्रिटी अपने आप को जो लोग कहते हैं और जो उनको फॉलो करते हैं, जिनके अंगूठे में और जिनके मुंह में पायल्स हो गया, बाबा सीर हो गया। ऑल आईज ऑन राफा। अगर वहां पर यह चीज हुई है, क्योंकि दो वीडियो आए हैं, एक में यह है कि एक्सप्लोजिव रखे हुए थे हमास के, वो फट गए, दूसरा वीडियो ये कहता है कि इजरायली एयरफोर्स ने स्ट्राइक की है। मासूम चाहे इसराइल की तरफ से हो चाहे पलिस्टीन की तरफ से हो, अगर उनकी हत्या होती है वो बिल्कुल गलत है। लेकिन मुद्दा बड़ा यह है, हिंदुस्तान के जो सेलिब्रिटी बैठे हुए हैं जो ऑल आईज ऑन रफा कर रहे हैं, पाकिस्तान में क्या हुआ बे? पाकिस्तान में पर डे मिनिमम ऑन रिकॉर्ड 3 बच्चियों का बलात्कार करके या तो उनको कन्वर्ट किया जाता है हिंदू बच्चियों को, या उनको मार दिया जाता है। हिंदुओं को कन्वर्ट किया गया है, उनको मार दिया गया है, अगर कन्वर्ट नहीं होते तो उनका कत्लेआम हो जाता है। बांग्लादेश में सेम होता है, कश्मीरी पंडितों का जब मुद्दा हुआ, जब यहां पर दंगे होते हैं भारत के अंदर, 4200 किलोमीटर दूर की तुम्हें परवाह, और जो हिंदुस्तान में होता है वायलेंस उसके खिलाफ कुछ नहीं, बवासीर हो जाता है। यही मुद्दा है, समझ में आया? शांत। यही जो सेलिब्रिटीज हैं जिनको रफा किया, अबे रफा का मतलब भी पता है तुम्हें, अरबिक में क्या होता है और हिब्रू में क्या होता है? अरबिक में हैप्पीनेस की अगर बात करते हैं या जो प्रोटेक्टर होता है उसकी बात करते हैं, और जो इंग्लिश में होता है या जो हिब्रू में जो कहा जाता है, मैक्सिमम फेमिनिन बच्ची का नाम है, लेकिन पता कुछ नहीं है। और यहां पर उसके बाद में रीशेयर होने लगती है चीजें, कमाल है अपना देश ना, बाकी में बवासीर हो जाता है। यही मुद्दा मैं हमेशा से कहते आया हूं, अपने देश की देख लो। मैं कहता हूं मेरे लिए मुद्दा रखता है, मैं पक्ष और विपक्ष के अलावा भी देश में यह समझो, जब हमारे देश के पाकिस्तान बहुत बाजू में है ना आपके, बांग्लादेश 0 किलोमीटर पड़ेगा जब हम अपनी बॉर्डर से देखेंगे तो, पाकिस्तान है नेपाल है। लेकिन एक मुद्दा हम एक बात करते हैं, सिर्फ अगर दो जगहों की बात करूं मैं, मैक्सिमम जो है क्या हुआ, कश्मीरी पंडितों के साथ जब हुआ था तब सब चुप थे, तब ये लोग कुछ नहीं बोलते। अभी हमारे मई की शुरुआत में 5 एयरफोर्स के जवान हमारे हिंदुस्तानी फौज के शहीद हो जाते हैं रजौरी पुंज में, तब ये सब चुप रहते हैं, क्योंकि शहीद उनको तो लगता है ना उनके तो बेटों की बच्चों की कोई है ही नहीं कोई कीमत। लेकिन यही लोग एक भी सेलिब्रिटी में जो अपने आप को सेलिब्रिटी मानता है, ब्लू टिक लेके बैठे हो और लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं, क्या हो जाता है तुम लोगों को? तब तुम लोग कुछ नहीं बोलोगे, है ना? क्योंकि तुम तो अफवाहें, जो तुम्हारे तक आधी ज्ञान वाले लोग जो आधी न्यूज फैलाते हैं, जो आधा सच बताते हैं, पेपर कटिंग दिखा दिखा के, और आधी पूरे न्यूज नहीं बताएंगे, आधा आधा जो फर्जी वाली बड़ा जो चल रहा है उसको तुम लोग मजे ले लेके शेयर करते हो। यहां मुद्दा सबसे बड़ा हमेशा से कहते आया हूं, इंसानियत एक नंबर पर है, लेकिन मेरे लिए पहले मेरे देश की इंसानियत सबसे पहले। बाहर जो हो रहा है ना, सब अपना अपना देखते हैं, सब अपनी अपनी फटी पड़ी है, सब अपना बजा लेंगे, सब अपना बचा लेंगे, तो आधे बचाने में लगे आधे बजाने में लगे। इसमें ना आतंकवाद उस पे फोकस तुम कर रहे हो, कौन सा सिलेक्टिव कहते हैं, और लिबरांडू पत्रकार मीडिया क्यों नहीं दिखा रहा? लिबरांडू जो है ना सब चुप हो जाते हैं, क्योंकि असल में लिबरांडू बहुत बड़े हैं। चुप रहिए आप, फर्क पड़े तो इस पर ना सिर्फ इतने भी मुद्दों पे उठाइए। अगली बार देखता हूं, अगली बार की छोड़िए जो पिछली बार कभी नहीं हुआ ना, वैसे तो हजारों जगह हजारों न्यूज और हजारों ट्वीट और हजारों चीजें लिख दी जाती इंटरनेट पे। अब क्या हो गया बे, बवासीर हो जाता तुम लोगों को जब कश्मीरी पंडितों की हत्याएं होती हैं, जब वहां पर हिंदुओं का नरसंहार हो रहा पाकिस्तान के अंदर, तब तुम कुछ नहीं बोलते हो? बलूचिस्तान में क्या हुआ तब तुमने कुछ नहीं बोला? बांग्लादेश में जो मंदिर तोड़ेगा या बांग्लादेश में जो हिंदुओं का कत्लेआम होता है तब तुम कुछ नहीं बोलते हो? यहां मुद्दा ये आता है, हिंदुस्तान की हिंदू मुस्लिम एकता पर सेंध लगती है तब तुम कुछ नहीं बोलते हो। लेकिन हाँ, सिलेक्टिव मत रहो ना बे, मैं चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, चाहे मुस्लिम ने हिंदू का कत्ल किया हो चाहे हिंदू ने मुसलमान का कत्ल किया हो, कहीं पर भी अगर कोई मुद्दा होता है, लव जिहाद का मुद्दा होता है, चाहे कोई भी मैटर होता है, मैं दोनों पक्षों से बात करता हूं, क्योंकि पहले भी कहा था फिर से कह रहा हूं, ना हिंदुओं से ना मुसलमानों से इस मुल्क को तकलीफ है ऐसे भांड सेलिब्रिटी गद्दारों बेईमानों से। ताकि आप अपना पक्ष देख लीजिएगा, नहीं हो तो अभी भी चुप रहो, जब तक तुम्हारे घर में घुस के तुम्हारे खुद को तुम्हारे घर के तुम्हारी बहन बेटियों का बलात्कार नहीं होगा, मुझे लगता तब तक तुम जागोगे। मुद्दा ये है ना, लोग कहते हैं मैं वायलेंस की बात करता हूं, ये वायलेंस है सालों, मैं तुम्हारे साइलेंस की बात कर रहा हूं। वायलेंस की बात तो छोड़ दो, तुम्हारे साइलेंस की, क्योंकि तुम चुप हो। अभी भी किसी को फर्क नहीं पड़ता, मैं आवाज उठाता था हूं और रहूंगा, क्योंकि मेरी यह जिम्मेदारी है। बाकी अगर तुम और जो ये सेलिब्रिटी अपने आप को जिन्हें आग लगी ना, जिनके पिछवाड़े में, लेकिन वही ना मुंह में और अंगूठों में, तो अंगूठों जिससे ट्वीट करना था इसमें तो बवासीर हुआ है, पिछवाड़े के लोग देख लें, लेकिन जो मुंह और बवासीर इनके दिमागों में हुआ है ना, उसको सही करना पड़ेगा।
बाकी देख लीजिए ऑल आईज ऑन, मैं कहता हूं ऑल आईज ऑन हर उस मासूम पर जो पाकिस्तान और बांग्लादेश में जिसको अत्याचार करके मारा जा रहा है, लेकिन तुम उस पर ऑल आईज नहीं लाओगे। क्यों फट्टू और सारे तुम लोग सिर्फ एक पक्ष चुनते हो और सिलेक्टिव अपना अपनी ह्यूमैनिटी को सिलेक्टिव मत रखो बे। और जो मीडिया वाले हैं ना उनसे भी बड़ा सवाल है, ऑल आईज ऑन आप जो डैश 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 करते हो, एक बात बताओ मासूमों का क्या? पर सेकेंड जिन देशों में हमारे इधर की बच्चियों को भगाया जा रहा है या बलात्कार हो रहा है या उनको वहां पर हिंदुओं को कत्लेआम हो रहा है, वहां पर तुम कुछ नहीं बोलोगे। रही बात, मैं बोलता हूं मैं तो भारत की सबसे पहले बात करता हूं, लेकिन यहां बात आ रही है, यहां हिंदू मुस्लिम से बड़ी बात क्या है पता है? हिंदुस्तान में जो है ना सब मेरे लिए भारतीय है, उनका धर्म से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब बाहर बात करते हो, जब तुम लोग राजनीति करते हो, जरा इस पर भी सोचिएगा।